तो जैसा आप लोग देख सकते हैं इस टाइम, तो देखिए इस टाइम मैं पहुंच गया हूँ नैनीताल के सामने, नैनीताल की लेक के पास, और कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग। तो देखिए गाड़ी हल्के हल्के आ ही रही है, और यहाँ पे अंधेरा जैसा ज़्यादा बोट करते हुए लोग चप्पू वाली करते हुए। तो ये देख सकते हैं पैथुरा कोहरा इधर की तरफ जा रहा है, ये कुछ इस तरीके से ना। तो देखिए अब किस तरीके से वेदर हो गया, अभी पूरा कोहरा ही कोहरा था। हेलो दोस्तों, कैसा आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक हो। एक नए व्लॉग के समय फिर आ गया हूँ आपका अपना जिसान अली, और जो आजकल आगे नैनीताल के वेदर के उसमें, टूरिज्म के उसमें, पर्यटक के उसमें, और नैनीताल में जो सीज़न खत्म की हो रहा है, हमारी समाप्ति की हो रहा है, क्योंकि आज 30 जून हो गया, 30 जून को हमारा जो सीज़न होता है समाप्ति की ओर हो जाता है, और 1 जुलाई से फिर हमारा सीज़न पूरी तरह ऑफ हो जाता है। कुछ ही पर्यटक नैनीताल में आते हैं क्योंकि बारिश भी रहती है। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं करता आजकल मेरे ब्लॉग पर बने रहेगा, स्किप करके मत देखेंगे तो कुछ ना कुछ जानकारी आप छोड़ देंगे। और यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम बन चुका है, पीछे ये पूरा कोहरा नीचे की तरफ आ रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि जो तल्लीताल से कोहरा मल्लीताल की तरफ आ रहा है, तो देखते हैं बारिश होती है या नहीं होती है। अगर ब्लॉग बनाते बनाते बारिश होगी तो मैं आपको दिखा दूंगा, नहीं होगी तो अपडेट दे दूंगा। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं इस टाइम मैं हूँ DSA फील्ड में, और फुटबॉल का ग्राउंड यहाँ बन चुका है, तो शायद अब फुटबॉल शुरू हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि जामा मस्जिद और जो DSA का ऑफिसर्स के पूरे बैक साइड देख सकते हैं पूरा कोहरा लगा हुआ है। तो देख सकते हैं आप लोग कोहरा किस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है, और ये इधर की तरफ कोहरा आ रहा पूरा, देखिए ये। और आज मौसम की बात करें तो आज जो है बारिश नहीं हुई है नैनीताल में, और तकरीबन सीज़न हमारा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आज 30 जून हो गया, लास्ट सीज़न रहता है और लास्ट वीकेंड था। पर्यटक हालांकि अभी भी आ ही रहे हैं, जाम की स्थिति थोड़ी बनी हुई है, लेकिन देखते हैं कल से 1 जुलाई है तो कैसा क्राउड रहता है नैनीताल में। तो अभी आप देख सकते कुछ इस तरीके से नैनीताल का वेदर है ये, और काफ़ी अच्छा वेदर हो जाता है नैनीताल का, और बारिश के दिनों में तो और अच्छा हो जाता है, लेकिन जब लगातार बारिश होती है ना तो फिर काई सीलन कुछ इस तरीके से होता है। अभी आप देख सकते कुछ इस तरीके से नज़ारा है ये पहाड़ का, और इधर देख सकते पूरा कोहरा आ रहा है ये, तो ये देख सकते हैं आप लोग, और इधर देख सकते हैं हल्का सा नीला आसमान देखने को मिल रहा है ये। तो ये कुछ ही देर में घिर जाएगा, कुछ ही देर में नैनीताल का मौसम, कुछ पता नहीं कि नैनीताल में कम मौसम बिगड़ जाए या कम मौसम में बारिश हो जाए या कब धूप आ जाए। तो इस टाइम मैं हूँ DSA फील्ड में, तो चलते हैं उधर की तरफ और देखते हैं लेक की क्या स्थिति है। तो देखिए इस टाइम मैं पहुँच गया हूँ नैनीताल के सामने, नैनीताल की लेक के पास, और कुछ इस तरीके से यहाँ पर वेदर हो रहा है, और लेक में बोटिंग करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं आपको। तो ये देख सकते हैं आप लोग, तो कुछ इस तरीके से देखिए सामने कुछ इस तरीके से वेदर है ये। तो ये देख सकते हैं आप लोग, और ये बोटिंग कर रहे हैं लोग। तो ये देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरीके से, और यहाँ की तरफ देखिए कोहरा ही कोहरा है। तो देखिए मैं मालरोड में आ जाऊँ, मालरोड में कुछ पर्यटकों की संख्या ऐसी देखने को मिल रही है, ये देख सकते हैं आप लोग, और नीचे की लोअर मालरोड में लगता है जाम। तो ये देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरीके से जाम लग रहा है ये, तो पूरा लंबा जाम है ये। तो ये देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरीके से लग रहा है जाम, हल्की हल्की गाड़ियाँ जो खसक रही हैं, तो देख सकते हैं आप लोग। हम चल रहे हैं ये तरफ मालरोड में, ऊपर में तो सही है लेकिन नीचे की तरफ लग रहा है जाम। तो इधर की तरफ चलते हैं। तो ये है नैनीताल की माल रोड। तो पर्यटक अपना घूम रहे हैं, और सीजन समाप्ति की ओर है हमारा, तो शायद आप होटल के जो रेट्स हैं वो कम हो जाएंगे। थोड़ा यहाँ से देखते हैं किस तरीके से जाम है अभी। तो देख सकते हैं गाड़ियाँ भी हल्के हल्के खिसक रही हैं, तो देख सकते हैं आप लोग। तो देखिए गाड़ी हल्के हल्के आ ही रही हैं, और यहाँ पे अंधेरा जैसा ज़्यादा इनकी वजह से, टहनियों की वजह से। तो थोड़ा सा चलते हैं नीचे की तरफ, और आपको दिखाते हैं कि नीचे कैसी लेक में पानी का लेवल कितना है यहाँ पे।
मैंने मान लिया शॉर्टकट, तो मैं आ गया हूँ इधर की तरफ। और यहाँ देख सकते हैं, तो अभी देखिए उधर की तरफ कितना खतरनाक बादल लगे हुए हैं, कोहरा आ रहा है बिल्कुल। वो देखिए बिल्कुल सामने ये, और यहाँ देख सकते हैं, और इधर तल्लीताल की तरफ से भी थोड़ा बादल काले हो गए। और यहाँ से बोटिंग कर रहे हैं लोग, आपको पैडल बोट यहाँ से मिल जाएगी, चप्पू वाली मिल जाएगी, देखिए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से भी काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, सामने देख ही रहे हैं आप लोग ब्लॉग के माध्यम से। और यार बोट भी चल रही है, पैडल बोट करते हुए लोग, चप्पू वाली करते हुए। तो देखिए एक बार फिर लग चुका है लंबा सा जाम, और यहाँ से देख सकते हैं आप लेक, और बाइक आ ही रही हैं, जिस तरीके से जाम की स्थिति बनी हुई है ये देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ से ले रहे हैं बाइक, और इधर लेक देख सकते हैं आप लोग, कुछ लेक का नज़ारा कुछ ऐसा है ये, और लोग बोटिंग कर रहे हैं, काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है, तो देख सकते हैं आप लोग। सभी तरह से आने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भी गलत ही आ गया लग रहा है इधर को। ये देख सकते हैं आप लोग, जाम जाम। तो ये देख सकते हैं पैदल भी चल रहे हैं लोग, और बाइकें भी आ रही हैं, गाड़ी का जाम तो लगा ही पड़ा है लंबा, तो हल्की हल्की गाड़ियाँ जा ही रही हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग। तो देखिए मैं हूँ अलका के पास और इंडियन होटल के पास, तो कुछ इस तरीके से नज़ारा है आप देख सकते हैं। और यहाँ की तरफ पूरा कोहरा आ गया है, ये देख सकते हैं पूरा कोहरा इधर की तरफ आ रहा है मल्ली ताल की तरफ ये, तो देखिए पूरा कोहरा इधर की तरफ जा रहा है, कुछ इस तरीके से नज़ारा होता है। यहाँ से भी आप बोटिंग कर सकते हैं, और यहाँ से देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरीके से डेल्टा यहाँ भी नज़र आ रहा है ये। तो पानी का लेवल दिन प्रतिदिन तो बढ़ ही रहा है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कोहरा, मतलब नैनीताल का मौसम बड़ा अल्टीमेट हो गया है, कुछ इस तरीके से हो गया। देखिए ये मतलब कोहरा किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग, ये क्या शानदार नज़ारा है यार। और ऐसे में बोटिंग करेंगे तो और मज़ा आ जाएगा, तो देख सकते हैं आप लोग। तो देखिए मैं ओपन जिम के पास आ गया हूँ, और कुछ इस तरीके से फॉग कोहरा इधर की तरफ आ गया पूरा, तो ही देख सकते हैं आप लोग। तो कोहरा कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, और पर्यटक कुछ इस तरीके से, और लेक की तरफ तो पूरा ही कोहरा आ गया है, तो ये देख सकते हैं आप। तो ये है, यहाँ से शटल सेवा चलने वाली है कुछ ही दिन में, टेंडर उसका होने वाला है, तो आप लोग चिड़ियाघर शटल सेवा से जा सकते हैं। और यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ पूरा ही कोहरा, सफ़ेद चादर की आगो उसमें, ये देख रहे हैं आप लोग, दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा, बस एक हल्की सी बोर्ड से नज़र आ रही है ये। तो कुछ इस तरीके से देखिए नैनीताल का वेदर, पूरा कोहरा ये देख रहे हैं आप लोग। और यहाँ पे हूँ मैं ओपन जिम के पास, तो यहाँ से भी आप कोहरा देख सकते हैं, किस तरीके से कोहरा पूरा देखने को मिल रहा है ये। तो देखिए आप किस तरीके से वेदर हो गया, अभी पूरा कोहरा ही कोहरा था, लेकिन आप देखिए पूरा कोहरा छटते हुए और हल्की सी धूप की चमक आते हुए, तो अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा था लेक में देखिए, लेकिन व्लॉग बनाते बनाते कुछ इस तरीके से लेक में सब कुछ दिखने लग गया, कोहरा पूरा छट चुका है। तो ऐसे ही नैनीताल में रहता है वेदर, मल्ली ताल की तरफ तो अभी भी कोहरा है देखिए। तो मैं हूँ ओपन जिम के पास, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोहरा छट चुका है ये। तो यहाँ ये देख रहे हैं ये कोहरा, और ये किस तरीके से, कुछ इस तरीके से यहाँ पे नज़ारा देखिए ये। और सामने इंडिया होटल, अलका होटल, चलिए थोड़ा सा इधर से दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ से भी आप बोटिंग कर सकते हैं, ये देखिए ये प्राइस लिखी हुई है सामने। Thank you.
तो ये देख सकते हो आप लोग कुछ इस तरीके से यह है नज़ारा। और ऐसे ही पूरा फॉग देखने को मिलता है जुलाई के महीने में। तो फाइनली आज के ब्लॉग ने कंप्लीट कर लिया। आज ब्लॉग को पसंद आया तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल जिस समय सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।